नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक धमाकेदार फंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। ये स्कीम के अंदर बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया हुआ है और इसमें जो रिटर्न है वो FD PPF वगैरह जितने भी स्कीमें हैं उससे 2 से 3 गुना रिटर्न आप आराम से ले सकते हो। और दोस्तों, दूसरी बात, ये स्कीम के अंदर रिस्क भी कम है और रिटर्न ज़्यादा है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो मेरे यारों, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, हम यहाँ पे बात करें तो म्यूचुअल फंड है एक, ये फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। मतलब ये म्यूचुअल फंड है दोस्तों, म्यूचुअल फंड मतलब रिस्क, क्योंकि ये शेयर मार्केट रिलेटेड होता है। अगर आप में रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो म्यूचुअल फंड खरीदो, वरना नहीं खरीदो, क्योंकि रिस्क है तो रिस्क है। इसलिए थोड़ा बहुत पैसा आप FD में रखो और थोड़ा बहुत इधर डाइवर्ट करो, पूरा का पूरा पैसा मत डालो म्यूचुअल फंड वगैरह में। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा है। इसने ऑल टाइम रिटर्न, मतलब ये फंड जब से आया है तब से इसने रिटर्न निकाल के दिया है 20.74, यानी कि 21% रिटर्न निकाल के दिया है। पिछले 5 सालों की बात करें तो ये फंड ने हमको धमाकेदार 15.41% रिटर्न निकाल के दिए है, और पिछले 3 साल की हम यहाँ पर बात करें तो इसने 37.10 यानी कि 37% रिटर्न निकाल के दिया है, और 1 साल की बात करें तो इसने 7.60 काफ़ी अच्छा रिटर्न ये दे रहा है। अभी दोस्तों हम बात करें तो ये म्यूचुअल फंड मिड कैप फंड है। दोस्तों, मिड कैप क्या? दोस्तों, शेयर मार्केट में 3 टाइप के फंड होते हैं, स्मॉल कैप फंड, लार्ज कैप फंड और मिड कैप फंड। स्मॉल कैप में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि छोटी छोटी कंपनी होती है उसमें पैसा डालते हैं, और छोटी कंपनी तो बहुत सारे लोगों में इधर उधर शेयर कर देते हैं और पैसा बढ़ा भी देते हैं घटा भी देते हैं, इसलिए उसमें रिस्क ज़्यादा है। दूसरा आता है मिड कैप फंड, यानी कि मीडियम टाइप की कंपनी, 1 लाख करोड़, 80 लाख करोड़, 80,000 करोड़, इतना जो उसमें होता है मार्केट कैपिटल, उसको बोलते हैं मीडियम टर्म। इसके अंदर रिस्क कम है, इसको भी मैनिपुलेट होता है, लेकिन इतना नहीं होता है क्योंकि इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी होती है। और तीसरा होता है लार्ज कैप, मतलब बड़े हाथी जैसे रिलायंस है, SBI है, उसको ऐसे इधर उधर कोई हिला नहीं सकता इतना जल्दी, इसलिए इसमें रिटर्न कम है, उसमें एकदम सिक्योरिटी ज़्यादा है। और मिड कैप में सिक्योरिटी थोड़ी कम है, फिर भी स्मॉल कैप के कंपैरिजन में इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा रहती है। दोस्तों, इसकी बात करें तो ये फंड एक मिड कैप फंड है, और इसके अंदर हम रिटर्न की बात करें तो इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। इसके अंदर अगर आप SIP करना चाहते हो तो 500 रुपये से स्टार्ट करके SIP कर सकते हो, और लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो भी हो जाएगा। आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर से इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। अभी दोस्तों हम बात करें मोतीलाल ओसवाल में हम कितना पैसा डालेंगे तो हमको कितना रिटर्न मिलेगा। मानो कि आपने 5,000 इन्वेस्टमेंट किए 5 साल तक, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3 लाख, उसके सामने आपको रिटर्न मिलने वाला है 1,88,000, तो टोटल आपका रुपया हो जाएगा 4,88,000। अगर यही 5,00,000 रुपये आप 20 साल तक इन्वेस्ट करोगे हर महीने, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 12 लाख, और उसके सामने आपको रिटर्न मिलने वाला है 1,05,00,000, और टोटल रिटर्न होगा 1,17,00,000। दोस्तों, काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। अगर आप लमसम डालना चाहते हो, यानी कि एक बार पैसा डाला फिर भूल गए, तो 1,00,000 रुपये अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है 20 साल तक, 1,00,000 लगाया आज और 20 साल भूल जाओ, तो 20 साल बाद आपको मिलेगा 26,40,000, और टोटल जो रिटर्न होगा वो 27,40,000। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो और उनकी वेबसाइट थ्रू भी कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।